हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन रेडियो सिग्नल्स के बारे में जिन्होंने पिछले दिनों पूरी दुनिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस और विशेषज्ञों को चौंका के रख दिया। जिस पल इन रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया गया वो पल भारत के लिए खास था, क्योंकि इन सिग्नल्स की डिटेक्शन इंडिया के शहर पुणे में हमारे प्रतिभाशाली स्पेस एक्सपर्ट्स की मदद से हुई थी। क्या था ये सिग्नल और क्यों है ये खास? क्या सच में ये एलियंस द्वारा मानव के लिए भेजा गया संदेश था या कुछ और? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स प्राप्त किए हैं जो अब तक की सबसे दूर की गैलेक्सी से आए हैं। ये सिग्नल एक विशेष और महत्वपूर्ण वेवलेंथ पर पाया गया है, जिसे 21 सेंटीमीटर लाइन या हाइड्रोजन लाइन के रूप में जाना जाता है, जो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स द्वारा निकलती है। यहाँ 21 सेंटीमीटर लाइन की विशेषता को समझना आवश्यक है। 21 सेंटीमीटर रेडियो सिग्नल बहुत रेयरली पैदा होता है, करीबन 10 मिलियन साल में एक बार, जब हाइड्रोजन एटम हाइपरफाइन ट्रांजिशन से गुजरता है। ये सिग्नल्स इसलिए अलग हैं क्योंकि जिस वेवलेंथ पे ये मौजूद होते हैं उस पर ये किसी भी ठोस वस्तु को पार कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरे की तरह ही है जो आंखों से देखे जाने वाली वस्तुओं के पार भी देख सकता है, और इसलिए रेडियो सिग्नल का डिटेक्शन वो भी इतनी दूर की गैलेक्सी से जिसे भेजा गया ब्रह्मांड की इतनी शुरुआत में, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। ये जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप जो भारत के पुणे में स्थित है, इसके द्वारा ऐसी गैलेक्सी से सिग्नल पाने का मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स इस ब्रह्मांड के सबसे पुराने सितारों और गैलेक्सियों के गठन के रहस्य को समझने के लिए अब तैयार हैं। गैलेक्सी SDSS J0826-5630 जो धरती से करीब 9.1 बिलियन साल दूर है, उससे सिग्नल उस समय छोड़े गए थे जब हमारी धरती, जो आज 13.8 बिलियन वर्ष पुरानी है, उस वक्त मात्र 4.9 बिलियन वर्ष की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 बिलियन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 9 शून्य होते हैं। ये एक बेहद बड़ा आंकड़ा है। सिग्नल्स ने एस्ट्रोनॉमर्स को गैलेक्सी की गैस सामग्री को मापने और ये पता लगाने की मदद की कि इस आकाशगंगा में मौजूद गैस का वजन धरती के पास के सितारों की तुलना में दोगुना है, जिसका मतलब ये कि ये सितारे ज्यादा पुराने और करीबन दोगुने बड़े हैं। गैलेक्सीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ते हुए पहले भी देखा गया है, लेकिन इस प्रकार की 21 सेंटीमीटर रेडिएशंस सिर्फ पास की ही और हाल ही में बनी हुई गैलेक्सी से देखी गई हैं। प्रमुख लेखक और मैगिल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पोस्ट डॉक्टोरेट कॉस्मोलॉजिस्ट अर्णब चक्रवर्ती ने एक बयान में ये बताया कि इन रेडियो सिग्नल्स का डिटेक्शन ये करीबन 8.8 बिलियन वर्षों के समय में पीछे मुड़कर देखने के बराबर ही है। एक गैलेक्सी कई प्रकार के रेडियो सिग्नल्स का उत्सर्जन करती है। अब तक केवल पास की ही गैलेक्सीज से इन विशेष सिग्नल्स को पकड़ा जा पाया है, जिससे हमारा ज्ञान पृथ्वी के करीब की गैलेक्सीज तक ही सीमित रह गया है। इतनी दूर की गैलेक्सीज से इन रेडियो सिग्नल्स को खोजने की एक कठिनाई ये भी है कि उनके द्वारा छोड़े जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को धरती तक आने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, जो इसकी ऊर्जा को कम कर देता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पृथ्वी पर टेलीस्कोप्स तक वो सिग्नल्स पहुंच ही नहीं पाते जब तक वो सिग्नल्स 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ के ना हो। हालांकि भारत में बैठी ये टीम इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिटेक्शन को अंजाम दे पाई, क्योंकि उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया था। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम कंसेप्ट का कुछ ऐसा कहना है कि हमारे आसपास के तीन आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, का चौथा आयाम टाइम है। वस्तु का जितना अधिक वजन होता है वो समय के आयाम पर उतना झुकता चला जाता है। स्पेस टाइम के झुकाव के कारण वो सिग्नल्स या लाइट जो भारी वस्तु से गुजरती है वो उस झुकाव को महसूस करती है और अनजाने में सिग्नल को मैग्नीफाई कर देती है। SDSS J0826-5630 के मामले में यही हुआ। 9 बिलियन साल पहले भेजी गई तरंगे बीच में मौजूद गैलेक्सीज द्वारा 30 गुना मैग्नीफाई कर दी गई, जिससे ये सिग्नल धरती तक पहुंच पाया। को-ऑथर और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिक्स निरुपम रॉय का ऐसा कहना था। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इन सिग्नल्स का डिटेक्शन ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में हुई अन्य घटनाओं का चिट्ठा खोलेगा
और बहुत से रहस्यों को सुलझाएगा। ये खोज इंसान के लिए वो महत्वपूर्ण पल है जिसके द्वारा वो ब्रह्मांड के पहले सितारे, गैलेक्सी और खुद ब्रह्मांड के विकसित होने की मिस्ट्री सॉल्व कर पाएगा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ पे भेजे गए सिग्नल्स, जिसका बनना बहुत रेयर इंसिडेंस होता है, वो दरअसल मानव जैसी दूसरी प्रजाति का मानव के लिए भेजा गया संदेश है, पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।